Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. गुर्दा प्रत्यारोपित कराने वालों को अब दिल्ली की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। मेरठ के न्यूट्रिमा हॉस्पिटल में इससे संबंधित सभी अत्याधुनिक चिकित्सा व सुविधा उपलब्ध है। अभी तक यहाँ करीब 290 लोगों का गुर्दा प्रत्यारोपित कर जीवन दान दिया जा चुका है। साथ ही साथ ऐसे गुर्दा प्रत्यारोपित करने में भी न्यूट्रिमा को सफलता मिली है, जिसमें गुर्दा लेने व दान करने वालों के ब्लड ग्रुप अलग अलग थे। विश्व गुर्दा दिवस पर न्यूट्रिमा हॉस्पिटल की तरफ से गुर्दा प्रत्यारोपित करा चुके लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही गुर्दा मरीजों की दिन रात सेवा व देखभाल करने वाले स्टाफ को भी न्यूट्रिमा प्रबंधन की तरफ से पुरस्कृत किया गया। न्यूट्रिमा में इस कार्य को भली भांति गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गर्ग, डॉक्टर शालिन शर्मा व डॉक्टर शरद चंद गर्ग अंजाम दे रहे हैं। इन चिकित्सकों का यह भी कहना है कि गुर्दा मरीजों को बेहतर इलाज के लिए अब दिल्ली की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। सभी सुविधाएं यहाँ न्यूट्रिमा हॉस्पिटल में उपलब्ध है। देखिए कार्यक्रम की एक झलक। एक्सरसाइज और डाइट दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारी लाइफ में। एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। इस बारे में डॉक्टर शालिन शर्मा ने यह जानकारी दी। देखिए इसका हर पहलू से हम काम कर इसमें मैसेज देना चाहते हैं। इसमें सबसे पहला तो यही है कि आपको सबसे पहले तो गुर्दे की बीमारी से बचना है, तो उसको बचने के लिए आप अपने गुर्दे को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इसमें जैसे सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर कंट्रोल में रखें, अगर आप रक्तचाप की बीमारी से पीड़ित हैं तो आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, और वैसे भी नॉर्मली आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल व्यतीत करें, अपना ख्याल रखें, नियमित व्यायाम करें, अपना वजन ना बढ़ने दें, पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर बीमारी है तो उसका कंट्रोल करें, और तीसरा ये है कि यदि काफ़ी एडवांस बीमारी से आप पीड़ित हैं या एंड स्टेज रीनल डिजीज है तो फिर वो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डायलिसिस का ऑप्शन है, कई तरह की डायलिसिस होती हैं, और उसके बाद सबसे बड़ी बात ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है। तो ट्रांसप्लांट के लिए जागरूकता पैदा करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस को सोसाइटी में कि लोग आगे आकर के किडनी डोनेट करें। 90% ट्रांसप्लांट इंडिया में जो है वो बिल्कुल क्लोज फैमिली डोनेट करती है, उसी से होते हैं। अगर समाज में इसी प्रति जागरूकता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रांसप्लांट के लिए आगे आएँ या कैडेवरिक ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग आगे बढ़े, जो कि ब्रेन डेड लोग हैं, या मृत्यु के पश्चात जो अपने अंग दान किए जा सकते हैं उसके प्रति जागरूकता है, तो जो एक बहुत बड़ा वैक्यूम है हमारे पास, जैसे हमें 2 लाख किडनी की आवश्यकता है और शायद 5,000 किडनी जो है मिल पाती है, तो 1,95,000 किडनी की प्रतिवर्ष भारत में ज़रूरत है, तो वो कहाँ से आएंगी? तो उसके लिए एक अवेयरनेस पैदा करना, उसके लिए कैडेवरिक ट्रांसप्लांट मैंने मृत्यु के पश्चात अंग दान करना एक बहुत महत्वपूर्ण उसका है पॉइंट है, और इसी चीनी चीज़ों को हम इसके थ्रू आगे बढ़ाना चाहते हैं। वरिष्ठ गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गर्ग ने यह बताया। देखिए वर्ल्ड किडनी डे जो हम मनाते हैं वो बेसिकली पेशेंट्स जो किडनी के हैं वर्ल्ड ओवर, उनको अपनी बीमारी के बारे में जानकारी देना ताकि वो प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट कर सकें। जो पेशेंट अनआइडेंटिफाइड हैं उनको आइडेंटिफाई करना और पूरे विश्व में गुर्दा रोग के बारे में जानकारी देना। हम इस सेलिब्रेशन को अपने न्यूट्रिमा हॉस्पिटल में हर साल इसे मनाते हैं, और अपने जितने भी हमने ट्रांसप्लांट किए हैं, हमारी टीम में ट्रांसप्लांट किए हैं, डॉक्टर शालीन, डॉक्टर शरद, मैं और बाकी पूरी टीम है हमारी, सर्जिकल टीम, मेडिकल टीम, पैथोलॉजिकल टीम, रेडियोलॉजिकल टीम, एनएससीसीआर टीम, सब टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है। और कई सालों से हम लोग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, और इस साल भी हमने ये जो लक्ष्य में मनाया है, अपने सारे रेसिपिएंट्स को बुलाया, अपने डोनर्स को बुलाया, सबका धन्यवाद है। और ट्रांसप्लांट के बारे में एक जागरूकता पूरे समाज को, पूरे एनसीआर को, पूरे वेस्टर्न यूपी को रहे, और पेशेंट स्वस्थ रहें, अपनी किडनी के बारे में ध्यान दें और किडनी को स्वस्थ रखें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।
इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।